प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम के द्वारा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पीना तिराहे से पैदल मार्च कर विद्युत मंडल के सामने किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर दातु। विदिशा जिले के कुरबाई में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुरबाई द्वारा कुरबाई विधानसभा क्षेत्र की एवं नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम के द्वारा तहसीलदार को सौंपा है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बिना तिराहे से पैदल मार्च कर विद्युत मंडल के सामने पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने विद्युत मंडल के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी तहसील परिसर पहुँचे, जहाँ जमकर नारेबाजी की गई। कुरबाई क्षेत्र में चल रही अघोषित बिजली कटौती, क्षेत्र में किसानों को बेसहारा मवेशियों से हो रही समस्या, क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों के मुआवजे को लेकर उत्पन्न अनियमितताएं, न्यायालय भवन के निर्माण और भूमि अधिग्रहण, पुलिस द्वारा आदिवासी युवक के साथ बेवजह बेरहमी से मारपीट के मामले में कार्रवाई एवं रावत आदिवासी सहरिया जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं और कुरबाई के खेल प्रेमी युवाओं को खेल स्टेडियम के निर्माण में आ रही समस्याएं जैसी मांगों को लेकर कुरबाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। आप पटना में आए, चले जाइए, 6 महीना से लाइट नहीं है, दुर्गाजी में 3 महीना से लाइट नहीं है, छपारा में 1.5 महीना से लाइट नहीं है, कई गाँव में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कई स्कूलों में पानी भरा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, ऊपर पंखा नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हर जगह अव्यवस्थाओं का भंडार है। कुरबाई की जनता और कुरबाई के माई के लाल जिंदे हैं, आपको आपकी चुनौती स्वीकार है, कुरबाई के हर कार्यकर्ता को, कुरबाई की जनता को, जो आपने कुरबाई के लोगों का अपमान किया है, इसका बदला हम लोग नवम्बर में लेंगे। पुरुष हो चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, सबको हरीश सप्रे जी ने चैलेंज किया है कि कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी और मुझे नहीं हरा सकता। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप अपने माई के लाल नहीं हो, अरे सपने और भाजपा को बताना है कि हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है, आ जाओ मैदान में नवंबर के पिछाने। लेकिन आप इस संकल्प को लेकर जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरना नहीं है, 4 महीने की सरकार है, ये प्रशासन आज हमें इंतजार करा रहा है। मैं आप लोगों को बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आज प्रशासन हमें इंतजार करा रहा है, नवम्बर में ये प्रशासन हमारा इंतजार करेगा। हो रहा है, एक आदिवासी युवक को मारा जाता है थाने में पूरी तरीके से, और वो डर कर पुलिस के मार से बचने के लिए जहर खा लेता है। अस्पताल में जब ट्रेनिंग के लिए पुलिस को बुलाई जाती है तो पुलिस थोड़ा भी FIR नहीं करती है, मतलब पूरा मामला लीपापोती करने का पुलिस विभाग का रहा है। इसमें विधायक जी की पूरी इन्वॉल्वमेंट रही है। मैं पूरा आरोप स्पष्ट रूप से विधायक जी को लगाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने सत्ता के मध में रहकर दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न किया है। आप खुद अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, लेकिन कभी भी आपने अनुसूचित जाति वर्ग की जो समस्या है, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की जो समस्या होती है, जिसमें शासन प्रशासन सहित सरकार पर अनेकों गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता सम्मिलित हुए। प्रदर्शन को आम नागरिकों और ग्रामीणों ने भी समर्थन किया। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। कुरवाई नगर में जो हम लोगों ने ज्ञापन का कार्यक्रम किया, सबसे ज्यादा बिजली की समस्या कुरवाई नगर में आसपास के गांवों में है और बिजली विभाग की मनमानी चल रही है। बड़े बिल उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं और जब उपभोक्ता शिकायत लेके बिजली विभाग के पास जा रहा है तो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी बिजली विभाग के द्वारा उनको बदतमीजी से दिखाया जा रहा है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली विभाग की तानाशाही चल रही है, छोटे बच्चों बुजुर्गों सब बिजली के अभाव में परेशान हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े उनके घर में घुस रहे हैं, बड़ी समस्या है। इसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। आवारा मवेशी एक बहुत बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी नाटक नौटंकी करती है कि हमने गौ माता के लिए ये किया वो किया, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। हमारे नेता रानी कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनवाई थी और आज क्या हालत हमारे गोवंश की है सबके सामने है। और जो 12 तारीख को बाढ़ आई थी गांव में, उसका मुआवजा भी प्रशासन ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है। वकीलों की जो समस्या है कि कोर्ट रूम यही बनना चाहिए, क्षेत्र की जनता को, वकीलों को, आम लोगों को दूर जाना ना पड़े, इसलिए
उनका समर्थन भी हम करते हैं कि 10 एकड़ जमीन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आजू बाजू कहीं भी सरकार अधिग्रहित करे और कोर्ट रूम यही बने, न्यायालय यही बनना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और हम लोगों ने बड़ी समझदारी से सरकार के सामने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि सरकार चेते आदिवासी एक लड़का है राजेश सहरिया को पुलिस ने नाना साहिब पूर्ण रवैये के तहत बहुत मारा है, उसने डर के मारे जहर खा लिया था और पुलिस ने किस हैसियत से उसको थाने में बुला के मारा है इसकी हमने सीबीआई जांच की मांग करी है और जो दोषी पुलिस वाले हैं वो तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए। हम लोग एसपी साहब से भी निवेदन करेंगे कि उनको बर्खास्त किया जाए और जाति प्रमाण जो शहरी समाज का है या आदिवासी प्रमाण पत्र उनको नहीं मिलता, बड़ी परेशानी है, उसकी वापसी करेगी हमारी पार्टी 100% सत्ता में वापसी कर रही है। और मैं आपके बीच में बता रहा हूँ 160 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेगी और पुरवाई में जो सूखा है पुरवाई में वो सूखा भी हम खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कमलनाथ जी को सीएम बनते हुए देखना चाहता है। देखो मैं क्षेत्र की जनता का, हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं का, आदरणीय गिरिजेश साहू जी का, आदरणीय पान भाई का, आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी का, आदरणीय वीरेंद्र जोशी जी का, हमारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आम जन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो वर्षों से लंबी समस्या थी, क्षेत्र की बड़ी समस्या थी मंडी बमोरा फाटक की, वो आखिरकार स्वीकृत हो गई है। सबको पता है भाजपा के सांसद ने और भाजपा के विधायक ने किस तरीके से जनता के सामने झूठ परोसा और जनता उस बात को समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ झूठ परोसने का काम है। भाजपा ने हमेशा ये कहा कि हमने विकास किया, उस विकास को ढूंढने के लिए हमने जनसंवाद यात्रा शुरू करी है। कहीं कोई विकास देखने को नहीं मिलता, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेडियम है, ना यहाँ पर वकीलों की कोई समस्या का समाधान हो पा रहा है, ना क्षेत्र की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुल मिला के जीरो है। और आदरणीय विधायक जी ने, सम्मानित विधायक जी ने सिर्फ अपना विकास किया है, 5 करोड़ का बंगला, तो आप चले जाओ यहाँ से सीधा दिखता है पूरा क्षेत्र, लाइट के कारण अभाव में अंधेरे में रह रहा है। और माननीय विधायक का बंगला आप शाम के चले जाओ, जैसे दीपावली में दिए जगमगाते हैं ना, विधायक जी का बंगला वैसे जगमगाता है। पुलिस वालों ने तानाशाही करी, जिस तरीके से उस लड़के को मारा, जिस तरीके से उस लड़के के ऊपर दबाव बनाया, चोरी का आरोप लगाया, ना तो पुलिस वालों ने कोई एफआईआर करी और ना ही डॉक्टरों के डॉक्टर ने कहा कि इसकी ट्रेनिंग करो, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब से इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत जरूर करवाऊंगा कि किस तरीके की कार्रवाई में तानाशाही चल रही है।